चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टर्न पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड हमने देख लिया था कि जनरली एक बैक्टीरियल सेल में, इन अ बैक्टीरियल सेल दो तरीके का यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट रहता है। एक होता है बैक्टीरियल डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं, और जीनोमिक डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए इज आल्सो नोन एज जीनोमिक डीएनए। और दूसरा होता है प्लाज्मिड, जिसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो दो टाइप का डीएनए होता है, ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। और अभी जेनेटिक डीएनए और जो जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड जो डीएनए होता है, दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो है हमारा यहाँ पर डबल सर्कुलर जो डीएनए है, ये वाला, ये कौन सा डीएनए है? बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए। और यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो जीनोमिक डीएनए जो है वो सारा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रखता है। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म कैसा होगा, न्यूक्लोइड होगा, फिम्ब्रे होगी, पिले होगी, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, 11th क्लास में, है ना, कि जो भी सारा एवरीथिंग जो सब बैक्टीरिया में होता है वो जीनोमिक डीएनए में होता है। और जीनोमिक डीएनए में वो सारे जीन होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जीनोमिक डीएनए है, ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करवाएगा, सर्वाइवल तो करवाएगा, बट इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। मतलब अभी इनको कोई स्ट्रेस नहीं है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है, लिविंग की कैपेसिटी भी अच्छी चल रही है। सो ये जीनोमिक डीएनए नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करवाता है। और ये जो जीनोमिक डीएनए है, ये वाला जो डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करवाएगा, और कंडीशन स्ट्रेसफुल नहीं है, और इसके पास वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन है जो सारे बैक्टीरिया में होती है। और ये कितना होता है? ओनली वन। ये देखो, दिस इज ओनली वन, सिर्फ एक है। दूसरा जो है, दैट इज प्लाज्मिड डीएनए। ये हमारा प्लाज्मिड है, इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए? बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, ये जो जीनोमिक डीएनए क्या बनाता है? क्रोमोसोम। जीनोमिक डीएनए क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो ये वाला जो प्लाज्मिड का डीएनए है, ये क्रोमोसोम नहीं बनाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अभी आप तो समझ गए कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों है हमारा प्लाज्मिड, क्योंकि क्रोमोसोम नहीं बनाता। क्रोमोसोम क्या बनाता है? जीनोमिक डीएनए क्रोमोसोम बनाता है। फिर ये जो प्लाज्मिड है ना, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसके ऊपर, क्योंकि ये जो हमारा जीनोमिक डीएनए था, ये वाला जो हमारा जीनोमिक डीएनए था, इसके ऊपर वो कंडीशंस डिपेंड करेगी, या ये नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारा प्लाज्मिड का डीएनए है, वो कब सर्वाइवल के लिए चांसेस देगा? जब कंडीशन कैसी है? नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल। नॉन फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल, ठीक है। ये कंडीशन ये वाली होगी। तो अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे फूड नहीं है, या किसी ने बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर दिया, एंटीबायोटिक डाल दिया, जिसे हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसको बैक्टीरिया की लाइफ खत्म करने के लिए आपने अलग अलग तरीके के केमिकल डाल दिए, तो वो कंडीशन कैसी हो गई? अनफेवरेबल हो गई ना, कंडीशन अच्छी नहीं है। तो उस टाइम पर ये
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड हेल्प करेगा बैक्टीरिया को फाइट करने में, कि अभी आपके ऊपर केमिकल डाल दिया है, फिनाइल डाल दिया है, हैंड वॉश डाल दिया है, सैनिटाइजर डाल दिया है, ठीक है, कई बार हम एंटीबायोटिक खाते भी, बीमारी होती है तो बहुत सारी टेबलेट्स वगैरह खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक है, तो अब ये उसको फाइट करने में बैक्टीरिया को हेल्प करेगा कि कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये क्या देगा उसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मींस लाइफ, एंड रेजिस्ट करना मतलब उस चीज से अड़े रहना, तो एंटीबायोटिक मतलब लाइफ को खत्म करने वाला, एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ क्या है हमारा, एक केमिकल है जो लाइफ को खत्म करता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रहा उससे ये बैक्टीरिया, यानी उसके सामने अड़ा हुआ है, उसके सामने डटा हुआ है, तो ये उस, ये जो प्लाज्मिड है इसके पास वो वाले फैसिलिटीज हैं जो एक बैक्टीरिया को केमिकल के खिलाफ लड़ने में मदद करे, केमिकल एंटीबायोटिक है, केमिकल इसको खत्म करने के लिए बनाया है, लेकिन ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंस दे रहा है, लड़ रहा है कि मुझे उस केमिकल के खिलाफ लड़ना है, तो ये क्या करेगा, प्लाज्मिड क्या हेल्प करेगा, हेल्प करेगा सर्वाइव करने में केमिकल के अगेंस्ट, ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन के लिए सब कुछ अच्छा, और ये कौन सी कंडीशन, स्ट्रेसफुल, बहुत सारी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक ही केमिकल ही डाल दें, कई बार फूड भी नहीं होता, और बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं इसके पास, जैसे हमने पढ़ा था कि कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का फीचर है, कई बार जैसे जो कर्ड बनाने का फीचर है वो प्लाज्मिड के पास होता है, लेकिन हर बैक्टीरिया थोड़े ही कर्ड बना सकता है, तो सब बैक्टीरिया के पास जीनोमिक डीएनए होगा, नॉर्मल डीएनए, वो उसकी लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन कोई बैक्टीरिया कर्ड बना सकता है, कोई बैक्टीरिया डिजीज दे सकता है ना, कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, हर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, देर आर सो मेनी बैक्टीरिया, कि उन बैक्टीरिया पर अगर आप केमिकल डालो तो वो मर जाएंगे, इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया आर नॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं थे ना, नहीं थे, क्योंकि मर केमिकल डालने से बैक्टीरिया किल हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर आप केमिकल डालो तो बैक्टीरिया क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे तब भी, और तब उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो वाले बैक्टीरिया हैं, तो ये जो फीचर प्रोवाइड कर रहा है ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है, प्लाज्मिड, जो भी स्पेशल फीचर है, जो भी स्पेशल फीचर है, जो हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो समझ में आ गया। और दूसरा ये है कि ये एक से ज्यादा होते हैं, यानी ये जो आपका बैक्टीरियल डीएनए है या जीनोमिक डीएनए है ये कितना होता है, वन, ओनली वन, और यहाँ पर ये टेंगल्ड फॉर्म में है, ये इस तरीके की फॉर्म में होता है, सर्क्यूलर, और ये कितने हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन टू हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं वापस रिवाइज करवाना चाहूंगी आप लोगों का, भूल मत जाना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, इसमें सेल में जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है, और डीएनए के साथ क्या लगा रहता है, प्रोटीन, बोथ थिंग्स, डीएनए एंड प्रोटीन, बोथ थिंग्स, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल तो सिर्फ डीएनए है, बट डीएनए एंड प्रोटीन, ध्यान रखोगे जेनेटिक मटेरियल इज ओनली डीएनए, बट डीएनए एंड प्रोटीन इज नोन एज क्रोमेटिन, तो सेल में ये जो क्रोमेटिन है ये इस तरीके की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, अगर कवरिंग आ गई तो न्यूक्लियस है, और कवरिंग नहीं आई तो क्या है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है, तो हम जनरल बात कर रहे हैं, एक क्रोमेटिन है थ्रेड, अभी कवरिंग नॉन कवरिंग की बात ही नहीं कर रहे, अगर ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है तो ये जो थ्रेड है
ठीक है, अब सेल को क्या करना है, डिवाइड होना है। तो हमने ये देखा था कि इस फॉर्म में तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन, ठीक है, जब हम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, और जब हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन की बात कर रहे हैं। मतलब ये डीएनए है और बीच बीच में क्या लगा हुआ है, प्रोटीन लगा हुआ है। डीएनए के बीच बीच में क्या लगा हुआ है, इस तरीके से प्रोटीन लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। प्रोटीन कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हमारे जेनेटिक या हमारे जीन को डिटरमाइन करने के लिए। ये जो प्रोटीन है ना, ये सिर्फ डीएनए की पैकेजिंग के लिए। प्रोटीन किसके लिए जरूरी है, डीएनए पैक हो जाए, बस पैकेजिंग, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये ऐसा ही रहता है और इस फॉर्म में डिवाइड करना मुश्किल है। तो जो प्रोकैरियोट हैं या जो बैक्टीरिया हैं, उनमें ये जो उलझा हुआ या टेंगल्ड मास है क्रोमेटिन का, ठीक है, अगर हम बीच बीच में अगर इसकी बात करें, ये लगा हुआ है, इसके बीच बीच में प्रोटीन लगा हुआ है कहीं कहीं, ठीक है। तो जब सेल को डिवाइड होना है तो इस फॉर्म में हो नहीं सकती। तो ये जो इंटेंगल्ड मास है या क्रोमेटिन थ्रेड है, किसका बना है, डीएनए प्रोटीन का, ठीक है। जनरली ऐसा ही ये जनरली क्या 100% ऐसा ही रहता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। पर क्या है कि प्रोटीन हमारे इतना ज्यादा काम का नहीं, वो सिर्फ डीएनए को पैक करने के काम आता है। ध्यान रखो, प्रोटीन सिर्फ डीएनए को पैक करने के काम आता है, प्रोटीन हमारा कुछ बनाता नहीं है कि आइस बना दिया। बैक्टीरिया का जो है साइटोप्लाज्म या बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल होगी, क्या कुछ होगा, वो प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। वो बनाता क्या है, डीएनए बनाता है कि कितना उसका सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के पास क्या क्या होगा, ठीक है। प्रोटीन तो जस्ट पैकेजिंग करने के लिए काम में आता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कई बार प्रोटीन को अवॉइड करते, प्रोटीन को हम क्या करते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं टोटल, की प्रोटीन बोल ही नहीं रही। बाकी ऐसा ही होता है, ठीक है, डीएनए प्रोटीन साथ में होता है, चाहे न्यूक्लियस हो चाहे क्या हो, न्यूक्लियोइड हो, न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियोइड हो, ठीक है, दोनों ही क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन थ्रेड इस तरीके से, और वो उलझा हुआ जो मास होता है। तो सेल को जब डिवाइड होना होता है, बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं आप लोगों को, बच्चों समझ में आ रहा yes, है ma'am. कि Yes, ma'am. आपको कभी तो बोलेंगे कि इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कभी बोल देंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, कभी बोल देंगे क्रोमेटिन थ्रेड ऑफ सेल, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या और ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या, बार बार कंफ्यूजन। एक ही चीज है, जब इस क्रोमेटिन थ्रेड, ये जो पूरा थ्रेड है ना, अगर सिर्फ डीएनए की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ डीएनए की, क्योंकि डीएनए हमारा सब कुछ डिटरमाइन करता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, ठीक है, डॉग कैट, सब में डीएनए डिटरमाइन कर रहा है कि क्या बनने वाला है उसका। बट प्रोटीन क्या कर रहा है, डीएनए को पैक करता है, ठीक है। तो जब जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो बात तो हम इसी पोर्शन की कर रहे हैं, बट हम सिर्फ डीएनए की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं तो बात हम इस पोर्शन की कर रहे हैं, लेकिन हम एंटायर पोर्शन की बात कर रहे हैं, उसमें हम प्रोटीन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बस। तो कंफ्यूज नहीं होना, बात तो इसी पोर्शन की है, क्योंकि प्रोटीन हमने निकाल दिया जब हमने डीएनए की बात करी, क्योंकि प्रोटीन जस्ट पैकेजिंग का काम कर रहा था, हमारे किसी दूसरे काम नहीं आ रहा। तो ये जो मास है टेंगल्ड उलझा हुआ क्रोमेटिन थ्रेड, क्योंकि हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, मतलब डीएनए की भी बात कर रहे हैं और प्रोटीन की भी बात कर रहे हैं। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज यूज फॉर पैकेजिंग, पैक करता है डीएनए को, बस। ये जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया अगर डिवीजन में जाना चाहेगा, प्रोकैरियोट डिवीजन में जाना चाहेगा, तो ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है ये प्रोकैरियोट का, ठीक है, और प्रोकैरियोट का क्रोमोसोम कैसा होता है, सर्क्यूलर, डबल सर्क्यूलर, ठीक है। और अगर ये यूकैरियोट का क्रोमेटिन थ्रेड और इसे डिवीजन में जाना है, ठीक है, यूकैरियोट को, तो इसे डिवीजन में जाना है तो इसे भी क्रोमोसोम बना लेगा, लेकिन यू क्रोमेटिन का जो क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, रोड लाइक, वही हम जो बार बार पढ़ रहे हैं। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आ जाते हैं हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पर।
ट्रांसफॉर्मेशन आप समझते हो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल में ये हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन थ्रेड की। जाहिर सी बात है जब क्रोमेटिन थ्रेड की बात आप करोगे तो आप बात कर रहे हो डीएनए विच इज अवर जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, ठीक है, ये तो डिटरमाइन करता है सब कुछ हर इंडिविजुअल का, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो कोई एनिमल हो प्लांट हो, और प्रोटीन जस्ट पैकेजिंग, कोई काम नहीं है, बट यहाँ क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है। नाउ अब क्या है कि ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये वाला, इधर वाला, ये वाला है ना, ये कोई डीएनए है, ठीक है, लेकिन बाहर का है, इस बैक्टीरिया का नहीं है, ये बाहर का है, किसी और का डीएनए, ठीक है। तो एक बैक्टीरियल सेल क्या करती है, इस जो रेड वाला जो पार्ट है इसको अंदर ले लेती है, देखो ये ले रखा है अंदर, ये आ गया अंदर, ठीक है, इसको अंदर ले लिया, और अंदर लेने के बाद ये तो बैक्टीरिया का ओरिजिनल था अपना, ठीक है, तो ये जब अंदर ले लिया तो ये अंदर ले लिया तो ये कौन सा डीएनए था, फॉरेन डीएनए था, फॉरेन डीएनए था, ठीक है। अब ये जो फॉरेन डीएनए है ये लग जाएगा या जुड़ जाएगा किसके साथ, या तो इसके जीनोमिक डीएनए के साथ, ये जीनोमिक डीएनए, ठीक है, या तो जीनोमिक डीएनए के साथ लग जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये लगा हुआ है यहां पर जीनोमिक डीएनए के साथ, या फिर किसके साथ लग जाएगा, प्लाज्मिड के साथ, ठीक है। क्या हुआ, ये बैक्टीरियल सेल थी, बाहर एक डीएनए था, फॉरेन का डीएनए था, मतलब फॉरेन का मतलब एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड इसका नहीं था, तो बैक्टीरियल सेल ने क्या करा, उस डीएनए को अपटेक कर लिया, और वो जो डीएनए था या तो उसके जीनोमिक डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा या फिर किसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो बैक्टीरिया की सेल थी वो क्या होगी, ओरिजिनल से चेंज हो गई ना, ओरिजिनल से चेंज हो गई, हमेशा से ऐसी थोड़ी थी, हमेशा से तो ऐसी थी, लेकिन एक नया आ गया इसके अंदर, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो ओरिजिनल जो थी उससे थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई है। सपोज कीजिए ये जो इस बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब अगर कोई केमिकल इस पर डालो तो ये मर जाता था, ठीक है, मतलब इसके जैसे दूसरे बैक्टीरिया मर जाते थे। फिर अगर फॉरेन का इसने डीएनए लिया और फॉरेन के डीएनए पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो जब ये मर्ज हो जाएगा ना इसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया भी किसमें, पहले ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, केमिकल डालने पर मर जाएगा, बट यहाँ पर ये जो डीएनए है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रख रहा है, तो अगर ये इसमें मर्ज हो गया है तो अब ये जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी पहले मर जाता एंटीबायोटिक केमिकल डालने पर, मर सकता था, बट इसके अंदर जो नया डीएनए आया है वो इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, और मर्ज हो गया उसके अंदर, ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, तो अब क्या है, इस पे कोई केमिकल डालेंगे तो ये नहीं मरेगा। सो दिस इज नोन एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया बदल गया, ठीक है। और ये मॉनिटर कौन कर रहा है ये सब कुछ, ये प्लाज्मिड मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, ये सारा काम कौन मॉनिटर करता है, प्लाज्मिड मॉनिटर करता है, समझ में आ रहा है, रिप्लाई करोगे तो मुझे लगेगा कि आ रहा है समझ में, डाउट, यस मैम, यस मैम, ठीक है, डाउट होता है तो वही पूछ लो, क्योंकि अभी से डाउट क्लियर करते जाओगे तो अच्छी बात है, बहुत टाइम नहीं अपने पास नीट के लिए। नाउ बैक्टीरिया के सेल एनवेलप, ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है अपना, दिस इज अवर बैक्टीरिया, ठीक है, एक तो इसके बाहर का पार्ट है, ठीक है, एक तो पार्ट है जो इसका साइटोप्लाज्म है,
ठीक है, और एक इसकी जो है वो एनवेलप्स है या कवरिंग है, एनवेलप्स, ठीक है। अब बैक्टीरियल जो एनवेलप्स हैं कवरिंग, ठीक है, वो बैक्टीरियल एनवेलप्स जो हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। देखो सबसे ऊपर है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है सेल वॉल, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट है सेल वॉल, और सबसे बाद में जो आ रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों क्या है, बैक्टीरिया के एनवेलप्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरली जो एक सेल होती है ना, एनिमल सेल या प्लांट सेल, तो ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ प्रोकैरियोट में ही है। इतने सारे एनवेलप्स क्यों है, ठीक है, इतने सारी कवरिंग क्यों है, इतनी सारी कवरिंग्स इसलिए है बच्चों क्योंकि हर कोई बैक्टीरिया को मारने के लिए लगा रहता है ना, हर कोई कोई भी बैक्टीरिया हो तो बार बार आप लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, फिनाइल यूज कर रहे हो, हैंड वॉश यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें जो बार बार बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज में ले रहे हो, सीधी सी बात है। तो जब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई प्लांट है ना आपने सडनली उस पर कोई केमिकल या एनिमल पे यूज इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन बैक्टीरिया को तो सब मारना चाहते, क्यों मारना चाहते, बैक्टीरिया को जनरली डिजीज देता है, सीधी सी बात है। जितनी भी डिजीज है वो वायरस एंड बैक्टीरियल है ज्यादातर, ठीक है, और भी होती है बट बीमारी देता है, तो सब मारना चाहेंगे, पक्की बात है। इसलिए इतनी कवरिंग है इसके ऊपर, और ये जो इतनी सारी इसके ऊपर कवरिंग है, ठीक है, ये इसकी एनवेलप है, तो इसके पूरे एनवेलप्स, ठीक है, तीन एनवेलप है, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये इन तीनों को इन तीनों को मिला के भी एक सेल एनवेलप कह सकते हैं। वैसे तो तीन कवरिंग है, तीनों अलग अलग एनवेलप है, बट इनको मिला के भी क्या बोल सकते हैं हम, सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप बैक्टीरिया का कितनी लेयर से मिलकर बना है, थ्री एनवेलप से या थ्री सब एनवेलप से या थ्री कवरिंग से। फर्स्ट कवरिंग इज ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फर्स्ट, सेकंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, सिक्स सेवेंथ स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहे हो। वॉट इज ग्लाइकोकैलिक्स, एनी वन कैन टेल मी ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइको वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ग्लूकोज से, ठीक है, सो ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ यू कैन से शुगर या कार्बोहाइड्रेट। सो ये जो सबसे फर्स्ट वाला या एनवायरमेंट से सबसे ज्यादा कांटेक्ट में आने वाला जो कवर या एनवेलप है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है। मतलब किसका बना हुआ है, बना हुआ है इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है किसी टाइप के, ठीक है। सो ये ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल आपको पता ही है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आप नोन हो। हालांकि सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है ना, वो थोड़ी सी कंपोजिशन में चेंज हो जाती है प्लांट के सेल वॉल से, ठीक है। ये सेल वॉल किसकी है, बैक्टीरियल सेल वॉल है। ये सेल वॉल कौन सी है, बैक्टीरियल। थ्री एनवेलप दिख रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल कौन सी है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोजिशन में थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, किससे, प्लांट की सेल वॉल से, बट है सेल वॉल चेंज्ड फ्रॉम प्लांट सेल वॉल, ठीक है। सो सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स देख लेते हैं,
ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या था, सबसे ऊपर वाली कवरिंग थी, ये सबसे ऊपर वाली कवरिंग थी। ग्लाइको समझ जाओ, चीज पहले भी बताइए दैट ग्लाइको ग्लूकोस ये सब शुगर या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, ठीक है। सो ग्लाइकोकैलिक्स जो है सबसे ऊपर वाला, ये ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये अलग अलग जो बैक्टीरिया है उनमें अलग अलग थिकनेस होती है, किसी बैक्टीरिया में ज्यादा थिक होगा, किसी बैक्टीरिया में कम थिक होगा। सो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई सबसे आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो कार्बोहाइड्रेट की बनी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की हो सकती है। एक ग्लाइकोकैलिक्स हो सकती है, यानी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई, वो हो सकती है इज अ फॉर्म ऑफ लूज शीट। कैसी हो सकती है? लूज शीट, लूज, समझ रहे हो, लूज शीट है ना, लूज, एकदम लूज शीट। और ये स्लाइमी होती है, स्लाइम मतलब विस्कस टाइप, एकदम फिक्स नहीं है, बार बार मेम्ब्रेन, ये जो लेयर है वो क्या कर रही है, मेम्ब्रेन क्या कर रही है, हिल रही है, फिक्स नहीं है। ये देखो ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है, ये है तो ग्लाइकोकैलिक्स, ये बैक्टीरिया है आपका, और बैक्टीरिया में इसके पास होगी सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बट ये जो एंटायर कवरिंग है ना, ये इस बैक्टीरिया की क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। और इस बैक्टीरिया का जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ कवरिंग है या ग्लाइकोकैलिक्स है सेल वॉल के ऊपर, वो स्लाइमी है या लूज शीट की फॉर्म में है। लूज शीट या स्लाइमी, स्लाइम का मतलब क्या, विस्कस, हर बार चेंज होने वाला, बहने वाला, लाइक जेली, एकदम फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है, बार बार अपना शेप चेंज कर रहा है, सो फिक्स नहीं है, एक रिजिड चीज नहीं है, है ये ग्लाइकोकैलिक्स। सो ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, लूज शीट या स्लाइमी या विस्कस। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स है, क्योंकि हर बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, वो होता है कैप्स्यूल, ठीक है, कैप्स्यूल। ये देखो ये वाला कैप्स्यूल एकदम रिजिड, एकदम फिक्स, एकदम टफ, ठीक है। तो कैप्सूल कैसा है, रिजिड या फिक्स या टफ, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन इन सो मेनी फंक्शंस। ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट टाइप इज दिस, दिस इज स्लाइम लेयर, स्लाइमी, विस्कस, मूवेबल, एक जगह पक्का नहीं रहने वाला, मूव करने वाला, जेली लाइक, घूमता रहता आगे पीछे इसके, ठीक है, रहता इसी के साथ है। एंड सेकेंड टाइप इज दिस कैप्स्यूल, एंड कैप्स्यूल इज वेरी रिजिड, टफ है, वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ है, दोनों, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के ही बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा केमिकली कंपोजिशन में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो जाता है, एंड ये दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सो मेरे को बता सकते हो कि जिस बैक्टीरिया को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है उसमें कौन सा होना चाहिए? एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? जिस बैक्टीरिया को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए किसी बैक्टीरिया को, ठीक है, दो ही टाइप क्या होता है, या तो इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। जो बैक्टीरिया ज्यादा प्रोटेक्शन मांगता है या उसे प्रोटेक्शन चाहिए खुद, क्योंकि बार बार उस पर ज्यादा केमिकल का कह सकते हैं इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, या उसके ऊपर ज्यादा केमिकल ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर ज्यादा केमिकल डाला जाता है, उसको कौन सा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा कि ये अच्छा रहेगा, कैप्सूल अच्छा रहेगा या स्लाइम अच्छा रहेगा उसके लिए? कैप्सूल, वेरी गुड, कैप्सूल अच्छा रहेगा, क्योंकि कैप्सूल क्या है, रिजिड है, रिजिड आप समझते हो, एकदम टाइट, फिक्स, फेम, एकदम अच्छे से कवरिंग वाला, बढ़िया, ठीक है, टफ है और फिक्स है, ये ऐसे ही बिल्कुल बार बार चेंज हो रहा है, इसको स्पेशल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये जो आपका स्लाइम वाला है, ठीक है, ये जो स्लाइम वाला है, इसका क्या फंक्शन है, देखो स्लाइम वाले का, स्लाइम वाले का फंक्शन है, लूज है वैसे ही, इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन के लिए ट्रैप, न्यूट्रिशन ट्रैप करना, यानी बैक्टीरिया कहीं से जा रहा है और रस्ते में उसके न्यूट्रिशन है तो क्या करेगा, न्यूट्रिशन ट्रैप कर लेगा, कौन सा, स्लाइम, ये कवरिंग।
और दूसरा क्या करेगा, एडहेरेंस, मतलब किसी सरफेस पर चिपकने के लिए, एक तो न्यूट्रिशन टैप करने के लिए और एक क्या एडहेरेंस या सरफेस पर चिपकना, स्टिक करना, एडहेर, ठीक है। लेकिन जो कैप्सूल है उसका काम देखो, जो आपने आंसर दिया वही आंसर है, कैप्सूल अवॉइड डेसिकेशन यानी सड़ने से बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको सड़ने से किसी भी चीज की वजह से, चाहे किसी केमिकल की वजह से सड़ रहा है या किसी भी एनवायरमेंट की वजह से सड़ रहा है, किसी भी चीज की वजह से सड़ने से बचाने के लिए क्या काम में आ रहा है, कैप्सूल। तो अलग अलग बैक्टीरिया, किसी के पास कैप्सूल होता है बच्चों, किसी के पास क्या होता है स्लाइम होता है, किसी के पास स्लाइम होता है, किसी के पास कैप्सूल होता है। स्लाइम का क्या वर्क है, स्लाइम विस्कस फ्लूइडी जेली लाइक बार बार मूवमेंट करने वाला, हिलने डुलने वाला, इसका वर्क क्या, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करो और चिपका के रखो बैक्टीरिया को सरफेस से। लेकिन जो कैप्सूल है उसका क्या काम है, टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा रिजिड है, फिल्म है, एक जगह पर अपनी फिक्स है, मूव नहीं कर रहा, इसका क्या काम है, अवॉइडिंग फ्रॉम डेसिकेशन, सड़ने से बचाना, ठीक है, डिहाइड्रेशन होने से बचाना, सड़ने से बचाना। तो इसका जो खास, जो कैप्सूल वाले का जो बेस्ट फीचर है ना, खास जो कैप्सूल वाले का जो काम है वो क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, कौन, कैप्सूल। इसके बाद सेल वॉल आ जाती है हमारी, ये सेल वॉल थी, दिस इज सेल वॉल, ठीक है। और ये सेल वॉल भी क्या करती है, जनरली प्रोटेक्शन का ही काम करती है। तो सेल वॉल शेप डिटरमाइन करती है, क्योंकि ये सेल वॉल किसके अंदर है, ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया में सबसे पहले तो ग्लाइकोकैलिक्स से, ग्लाइकोकैलिक्स डिपेंड करता है, या तो इसमें कैप्सूल होगा या तो या स्लाइम होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है फिर, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर है सेल वॉल, ठीक है। सो सेल वॉल शेप डिटरमाइन करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है, और इसको बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से यानी ये फूट ना जाए, और कोलैप्सिंग से, वही प्लांट में अगर याद करो, प्लांट में याद है, प्लांट में सेल वॉल क्या कर रही थी, प्लाज्मोलाइसिस एंड साइटोलाइसिस में हेल्प कर रही थी। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस एंड साइटोलाइसिस, कि या तो फूट ना जाए, ठीक है, बर्स्ट ना हो जाए, या फिर कोलैप्स ना हो जाए, या तो बर्स्ट ना हो जाए या फिर कोलैप्स यानी चिपक ना जाए, यानी श्रिंक ना हो जाए और बर्स्ट ना हो जाए, दोनों चीजें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, श्रिंक, ठीक है, बर्स्ट आप समझते ही हो। तो सेल वॉल का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है सेल वॉल का, कि एक तो शेप देना, फिक्स, ठीक है, और ये फिक्स ही होती है, ऐसा नहीं है कि स्लाइम की तरह, एक बार स्लाइम जो है ना, मतलब ऐसे बार बार घूम इधर उधर अपना चेंज कर रहा था, कभी इधर ऐसे इस तरीके से जेली लाइक नहीं है। सो ये फिक्स है, ठीक है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एंड सेकेंड जो खास चीज है वही जो प्लांट में थी, नहीं याद है तो याद कर लो, रिकॉल कर लो, बर्स्ट होने से बचाने के लिए एंड कोलैप्स होने से बचाने के लिए, फूटने से बचाने के लिए एंड श्रिंक होने से बचाने के लिए सेल वॉल। क्योंकि शेप अगर प्रोवाइड कर रही है, फिक्स क्या प्रोवाइड कर रही है, फिक्स शेप, तो फिक्स शेप प्रोवाइड कर रही है तो मतलब उसको ना तो बर्स्ट होने देगी ना कोलैप्स होने देगी, एक ही जगह पर रखेगी जैसा वो है। सो दिस इज द वर्क ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम होगी या कैप्सूल होगी बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है। इसके बाद आ गई इसकी सेल वॉल, और सबसे अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी यूकैरियोट में होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज सेम, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज सेम, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो। क्योंकि सेल वॉल थोड़ी सी अलग है, वो हम पढ़ेंगे आगे बैक्टीरिया की, बट ग्लाइकोकैलिक्स तो सिर्फ बैक्टीरिया में पक्की बात है और किसी में है ही नहीं। सेल वॉल प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में है, लेकिन प्लांट की और बैक्टीरिया में थोड़ा सा केमिकली फर्क है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में सेम होती है, ठीक है। याद करना आसान रहेगा, ग्लाइकोकैलिक्स इज अ स्पेशल फीचर ऑफ बैक्टीरिया, इट कुड बी कैप्सूल और स्लाइम,
सेल वॉल इज फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट एंड फंगस में भी होती है, ठीक है, और सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, केमिकली. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, सबकी बिल्कुल सेम है, सब में सेम है. मुझे बता सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? 10 सेकंड में आंसर दो. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है? प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में, ठीक है, फंगस वंगस सबके अंदर. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपने टर्म सुनी होगी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है. ये टर्म अपनी तरफ से ढूंढ के आना, बिकॉज टाइम पूरा हो रहा है, तो मैं 2-3 मिनट में क्लियर नहीं कर पाऊंगी आपको. आपको पता होगा सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है, बट ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सेलेक्टिवली परमिएबल, जब भी 11th क्लास का टर्न आएगा हमारा, 11th रिवीजन का, 11th का. सो सेलेक्टिवली परमिएबल ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, व्हाई सेलेक्टिवली परमिएबल क्या मतलब होता है. और अभी के लिए बोलूंगी कि होमवर्क मेरे को सबमिट नहीं कर रहे हो आप लोग. कब से दे रखा है होमवर्क? सैटरडे से दे रखा है, मेरे पास होमवर्क नहीं आया सही से, सबमिट हुआ हुआ तो दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग खुद फेस करोगे. उस दिन भी मोटिवेशन की क्लास ली थी आप लोगों की, कोई मतलब नहीं निकला. गलत तो करो कम से कम, ताकि मैं करेक्शन करूं उसमें. कर ही नहीं रहे हो तो मैं करेक्शन कैसे करूंगी? समझा दिया एक बार उसको, वापस देखो नहीं कुछ आ रहा तो गलत करके भेजो, चलेगा, कोई बात नहीं. तुम तो कर ही नहीं रहे उस चीज को. और वो ऑनलाइन क्लास क्या हुई, अपने तो मजे हो गए कि टीचर ने बोल दिया इस पर लाइव, ठीक है, सुन लिया. अब टीचर है तो नहीं 24 घंटे सिर पे, क्लास में तो सामने देख करके कुछ बोल सकते थे. यहाँ पर एकदम आप बैक फ्रंट पर चले गए, कोई मतलब ही नहीं है मेरे बोलने का. होमवर्क सबमिशन ही नहीं है, गलत सही कुछ नहीं. तो मेरे को अपना टाइम टेबल का शेड्यूल भेजोगे अभी व्हाट्सएप पे कि मेरा ये शेड्यूल है मेरा. क्लास जैसे ही ओवर हो जाएगी तुम्हारी, 12 बजे ओवर हो जाती है सारी क्लासेस, मेरे को शेड्यूल भेजोगे फोटो खींच के कि ये मेरा फिक्स शेड्यूल है, मैं एक शेड्यूल में पढ़ रहा हूँ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो क्या पढ़ रहा हूँ मैं, वो सब मुझे बताना है अभी. और होमवर्क जो सैटरडे का बाकी है वो भी मेरे को सबमिट करोगे 12 बजे के बाद शुरू कर देना करना, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बिकॉज टाइम नहीं है मेरे पास अभी, 2 मिनट 1-1.5 मिनट ही बाकी है. तो क्लासेस होगा, 2 काम करने, एक तो सैटरडे का होमवर्क मेरे को भेजो वापिस, और दूसरा एक शेड्यूल भेजो कि मेरा ये शेड्यूल, मैं इस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ. चलो क्लासेस ओवर नाउ.